नमस्कार, टीवी अंग प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं बिलिंद गुंजन। इस समय भागलपुर नगर निगम में जो मेयर का चुनाव हुआ उसमें भागलपुर की नई मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल बन गई है। जी मैडम, पहली प्रतिक्रिया आपकी टीवी अंग प्रदेश पर। मैं भागलपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूं, उनका बहुत बहुत आभार। उन्होंने मेरे लिए क्या किया, अब तो ये कर्ज उतारने का समय आ गया है मेरे लिए। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उनको, और मैं टीवी अंग प्रदेश को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है वोटरों को बताने में कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। और मैं सिस्टम को भी, भारत सरकार को भी बधाई देना चाहती हूँ कि उनके माध्यम से, उनके द्वारा जनता को वोट करने का मौका मिला और जनता के द्वारा हम चुने गए हैं। हम सारी जनता को बधाई देते हैं और हम सारी जनता का अपना आभार व्यक्त करते हैं। बड़ा और कड़ा मुकाबला था आपका, गजाला परवीन आ गई नंबर दो में, आपके मुकाबले गजाला परवीन थी। सीमा शाह निवर्तमान में तीसरे नंबर पर चली गई है, कैसे देख रही है अपनी इस जीत को अब आप? मैं जनता पे विश्वास करती हूँ, मुझे जनता पे पूरा भरोसा था कि हमें जीत वो जरूर दिलवाएंगे। उनकी इतनी मंशा थी कि मैं यहाँ आऊँ, तो वो सब प्रतिक्रिया भी दिख रहा है। विक्रमशिला सेतु है एक बना हुआ भागलपुर में, विक्रमशिला सेतु के उस पार आपका मायके और विक्रमशिला सेतु के इस पार आपका ससुराल, दोनों लोगों ने जमकर वोट लुटाए हैं आपके ऊपर। हाँ, हमको लग रहा है लुटाए हैं, तभी तो मैं अभी यहाँ मेयर प्रत्याशी हो गई। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से, अब आप भागलपुर की नई मेयर चुन ली गई है जनता के द्वारा। मैं टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ भागलपुर की जनता को कि आप सबके सामने मैं नतमस्तक हूँ। आपने इतना प्यार हमें दिया, इतना प्यार दिया कि मैं उसके लिए आपको सदा आभारी रहूंगी और आपके जो भी मंशा है मैं उस पर खरी उतरूंगी। काम होगा ना मैडम? बिल्कुल होगा। नहीं तो सवाल पूछेंगे फिर हम आपसे भी, क्योंकि एक बड़ा सवाल है सभी दर्शकों का भी कि काम होगा कि नहीं होगा। ये सवाल काम की इच्छा से ही यहाँ आई हूँ, इसलिए काम तो होगा ही होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। प्रीति शेखर जी भी, प्रीति जी आप भी बहुत मुस्कुरा रही हैं, क्या कहेंगी इस जीत पर? मुस्कुराने की वजह है, आज डॉक्टर वसुंधरा लाल जी मेयर पद पर आसीन हुई हैं और इस जनता ने उनको अपना मत देकर उन्हें विजयी बनाया। लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर वोट किया और आज उसी का परिणाम है कि वसुंधरा लाल जीती हैं। और वसुंधरा जी के साथ प्रीति शेखर भी साथ खड़ी नजर रहेगी और आप सबों के लिए, शहर के विकास के लिए जितना सतत प्रयास करना होगा वो हम लोग मिलकर करेंगे। टीवी अंग प्रदेश ने एग्जिट पोल दिया था अपना, ठीक 28 तारीख को मतदान के दिन 6 बजे के बाद हमने कहा था कि वसुंधरा लाल भारी बढ़त और भारी जीत की तरफ बढ़ती दिख रही हैं। किस तरह से देख रही हैं हमारे उस एग्जिट पोल को? आपका एग्जिट पोल 100% बिल्कुल सत्य साबित हुआ और यह जनता की के नब्ज को आपने पहचाना और उस नब्ज का परिणाम आज देखने को मिला कि वसुंधरा लाल जी विजयी हुई। वोटों के ठेकेदार ने इस बार मुंह की खाई है, बहुत जगह जो वोट के ठेकेदार थे जिन्होंने ठेका ले रखा था ये सारा वोट, लेकिन जनता ने, जो कि भागलपुर की जनता जिस दर्द से गुजर रही है, 5 साल आप भी यहाँ की नागरिक भी हैं, तो यहाँ जो दर्द आपने और यहाँ की जनता ने झेला है उसने किसी की नहीं सुनी। बड़े बड़े कद्दावर नेता आए, हम निवर्तमान मेयर सीमा शाह के समर्थन में कद्दावर नेता ने अपना समर्थन दिया, पूरा उनका कुनबा उनके साथ था, लेकिन नतीजा सिफर रहा है और जनता ने अपने उस दर्द को देखते हुए एक बार नई प्रत्याशी को चुना। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का यही तो खासियत है कि जनता अपने मन से चुनती है और जिस प्रकार 5 वर्षों के कार्यकाल में नगर निगम में भ्रष्टाचार दिखा उसके खिलाफ जनता अपना मन बना चुकी थी। उनके पास प्रत्याशी के रूप में एक अपॉर्चुनिटी के रूप में वसुंधरा लाल जी आगे आई और वो आज उसका सबका परिणाम सामने है कि जनता ने सही लोगों को चुना। अब तो काम होगा ना, अब तो कोई बहाना नहीं होगा? नहीं, काम हम तो हमेशा ही करते रहे हैं और अब तो मिलकर, दोनों मिलकर विकास करेंगे, दोनों मिलकर विकास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति शेखर जी से बात करने के लिए। ये थी प्रीति शेखर और एक बार फिर से हम बता दें कि टीवी अंग प्रदेश की उस खबर पर, उस एग्जिट पोल पर मोहर लगा दी है जनता ने और जब आज मतगणना का काम पूरा हुआ है तो आज मतगणना में बड़ी बढ़त नहीं बल्कि अब जीत चुकी है डॉक्टर वसुंधरा लाल, भागलपुर की नई महापौर, जनता की ओर से चुन ली गई है
डॉक्टर वसुंधरा लाल, हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको अभी वसुंधरा लाल से हमने आपकी बात कराई है, उन्होंने कहा है कि अब काम करने का वक्त आ गया है, जनता ने जो भरोसा दिखाया है उस भरोसे पर अब खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ और लोग हमारे साथ, बताइए कैसे देख रहे हैं इस जीत को। देखिए, इस जीत को तो हम सबसे पहली बात भागलपुर के समस्त जनता को देना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी एक कहते हैं कि बुद्धिमता का एक परिचय दिया है कि एक बढ़िया नागरिक को भागलपुर का प्रथम महिला बनाया है। और जिस तरह से लोगों ने खुद में मन बना लिया था कि इस बार एक स्वच्छ और साफ छवि के लोगों को ही हम वहां पे बिठाएंगे नगर निगम के मेयर पद पर। टीवी अंग प्रदेश का जो एग्जिट पोल रहा था, हमने 28 तारीख को शाम में ही ये कह दिया था कि जनता ने इस बार पूरी तरह से चोट किया है वोट के जरिए, और नए प्रत्याशी परिवर्तन के रूप में उन्होंने डॉक्टर वसुंधरा लाल को चुना है। कैसे देखते हमारे एग्जिट पोल को? जी हाँ बिल्कुल, मैं आपके एग्जिट पोल का मैं खुद साक्षी हूँ, क्योंकि मैं परसों आपके करंट लाइव को मैंने देखा था और जो एग्जिट पोल में आपने दिखाया था और आज हूबहू लगभग वही जो आपने कहा था कि एक नंबर में कौन, दो नंबर में कौन, तीन नंबर में कौन, और लगभग हमारा वही आया है, परिणाम भी उसी रूप से आया है। ऐसा तो नहीं कि टीवी अंग प्रदेश ने कहीं कोई ईवीएम में छेड़छाड़ कर दी हो? अरे नहीं भाई, ईवीएम में छेड़छाड़ आप टीवी अंग प्रदेश क्यों करे, ये तो जनता ने ही मूड बना लिया था कि प्रथम महिला को इस बार डॉक्टर वसुंधरा लाल मैडम को ही रखना है, और बाकी तो कांटे की टक्कर चल रही थी गजाला प्रवीण जी से, और विजय अंततः हम लोग हासिल किए 9441 वोट से। कड़ा संघर्ष देखने को मिला है इस बार, और जो जिसकी बात कर रहे थे हमारे साथ दीपक जी, बहुत पूरी तरह से आप रंग में रंगते नजर आ रहे हैं, ये रंग जीत के रंग, ये जीत भागलपुर के जनता की जीत है। और मैं भागलपुर की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपका जो फैसला डॉक्टर वसुंधरा लाल जी के पक्ष में वोट के रूप में जो आपने आशीर्वाद दिया है, उस चीज का सम्मान करते हुए भागलपुर के विकास के लिए डॉक्टर वसुंधरा लाल निरंतर काम करते रहेगी, आपको भागलपुर में बदलाव दिखेगा। टीवी अंग प्रदेश का जो एग्जिट पोल था वो तो बिल्कुल अब सच साबित होता दिख रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, टीवी अंग प्रदेश ने जो पहले दिन चुनाव के बाद पोलिंग मतगणना के बाद जो एग्जिट पोल दिया था वो बिल्कुल सटीक रहा। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार को, अंग प्रदेश के पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी विकास सिंह, जो लगातार एग्जिट पोल से हमारे साथ थे, चुनाव के दिन से हमारे साथ थे। बताइए, अब तो नतीजा भी सामने आ चुका है। दीपक जी आप भी मुस्कुरा रहे, आ जाइए आप भी, चूंकि आप भी हमारे साथ एग्जिट पोल में थे, मुस्कुराइए, आपकी मुस्कुराहट हम समझ सकते हैं। पहले विकास से प्रतिक्रिया लेते हैं, विकास पहली प्रतिक्रिया। देखिए ये चीज तो अब मुहर लग गई है। हाँ मुहर लग गई है, और ये चीजें पहले भी साफ हो चुकी थी, और हम लोगों ने जिस तरह से जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना, और आपने तो खासकर ये पूरे नगर निकाय चुनाव में जो आपकी पत्रकारिता रही, मैं कायल हूँ व्यक्तिगत रूप से, और शानदार क्या वाकई आपने रिपोर्टिंग करी है, तो जनता के बीच का जो मूड था, आप कहीं ज्यादा, हमसे भी कहीं ज्यादा आप जान रहे थे, और जिस तरह से बार बार आप एक एग्जिट पोल के तौर पे आप जनता के बीच आ रहे थे, लाइव सेक्शन हो या फिर वीडियो के माध्यम से आपने जो जानकारी दे रही थी, वाकई में वो शानदार रही, और कहीं ना कहीं मैं इस चीज को अनुभव कर रहा था कि आपकी जो जनता का लगाव था, जनता के बीच आपकी जो परख थी, तो उसका नतीजा ये होना ही था। और हम लोगों ने तो जिस दिन चुनाव हुए थे, जिस दिन मतदान हुए थे, उसकी शाम में हम लोग कचहरी चौक से यही सब चीज बातों पर चर्चा कर रहे थे, तो उसमें से तो कहीं ना कहीं एक मुहर लग गई थी पहले ही, और आज तो औपचारिक रूप से ऐलान भी हो गया कि चलो कोई नहीं, और एक नई मेयर। तो लेकिन हम एक चीज हम आपके चैनल के माध्यम से और दर्शकों को मैं बता दूं कि सवाल हमेशा से जनप्रतिनिधि से, और वो सवाल जो है हमेशा होता रहेगा इसमें, और इस सवाल को लेके वसुंधरा लाल से भी हमने कहा है कि अगर विकास नहीं होगा तो सवाल आपसे भी होगा मैडम। बिल्कुल होगा, और आपसे औरों से कहीं ज्यादा ज्यादा होगी, आप चुनी गई जनता के, हाँ तो आपसे सवाल ज्यादा होगा और होता रहेगा। अब चलिए दीपक नौरंगी जी भी है हमारे साथ, देखिए इनके सफेद बाल को देख करके इनके उम्र का अंदाजा नहीं लगाइएगा आप, ये इनका एक शौक है और इसीलिए ये अपने इसी वेशभूषा के लिए बहुत लोकप्रिय है। बताइए दीपक जी, अब तो एग्जिट पोल पर मोहर लग गई है टीवी अंग प्रदेश की, पत्रकारिता की प्रतिष्ठा को आपने बचाया, बहुत लोग पैसे से माफिया से प्रभावित होते हैं, शुरू से आप चला रहे हैं कि जो सच है वो आप चला रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले, सबसे पहले, क्योंकि मैं खुद पत्रकार हूं, और जो पत्रकार यदि मेरे खबर को सुनता होगा, यदि जरा सी भी उसमें इंसानियत बची है, तो सही लोगों को एग्जिट पोल पर लाएं, झूठा प्रचार ना करें। आपकी जीत हुई, आपने पूरा मेहनत की, आपने देखा और लोगों को सच्चाई दिखाई, 48 घंटे के पहले आपने घोषणा कर दी थी कि डॉक्टर वसुंधरा
जीत रही है आपकी मेहनत और सुबोध जी की मेहनत रंग लाई। भागलपुर की जनता ने सृजन घोटाला देख लिया, नगर निगम घोटाला देख लिया, अब भागलपुर की जनता कोई तीसरा घोटाला नहीं देखना चाहती है, इसलिए डॉक्टर को जीत के लाई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ और साथी जुड़े हुए हैं, बताइए इस जीत को कैसे देखते हैं। हमारा एग्जिट पोल अब मोहर लग चुका है, उस पर परिणाम सामने आ चुका है, जीत चुकी है वसुंधरा लाल और बड़े अंतर से जीती है, कोई 2-4-5-10 मतों से नहीं जीती है, बड़ा अंतर है, लगभग 10,000 का आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया। 28 तारीख को जिस दिन मतदान हो रही थी वार्ड नंबर 21 में, वहाँ भी हमारी बात आपसे हुई थी और मैंने उस दिन भी ये कहा था कि जनता इस बार पढ़ी लिखी शिक्षित सुयोग्य जो रहेगी उसी को चुनेगी। मेरा इशारा जिस तरफ था आज वही हुआ। हमारा जो एग्जिट पोल था 28 तारीख को शाम में, हमने एग्जिट पोल में ये बताया था कि आम जनता से जब हमने बात की थी तो बताया था कि उनका अधिकतर मत डॉक्टर वसुंधरा लाल के समर्थन में गया था और हमने एग्जिट पोल में उस दिन कह दिया था कि भारी बढ़त की तरफ, जीत की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। मैंने भी उस दिन यही कहा था कि पढ़ी लिखी जो शिक्षित हैं, जो सुयोग्य हैं, इस बार वही मेयर बन के आएगी। मेरा जो कहना था वो आज सच हो गया। चलिए मेरा जो कहना था वो सच हो गया। हमारे साथ शशि शंकर जी जुड़े हुए हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं लेकिन हर चीज पर बहुत पैनी निगाह रखते हैं, रंगकर्मी हैं। कैसे देख रहे हैं अब इस जीत को, नया मेयर भागलपुर का अगला चुन लिया गया है, डॉक्टर वसुंधरा लाल भागलपुर की नई महापौर। मैंने पहले भी कहा था कि वसुंधरा जीतेंगी और सलाउद्दीन जी जीतेंगे, दोनों जीते हैं और आपके चैनल ने भी कहा था। क्योंकि हम लोग जो फील्ड में रहते हैं तो जो सरकमस्टांसेस देखते हैं हम लोग, उसके अनुरूप ही हम लोग आकलन करते हैं और ठीक ही हुआ है। भागलपुर सद्भाव का शहर है और एक सद्भावना भागलपुर में फिर से उत्पन्न हुआ है और डिप्टी मेयर हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं सलाउद्दीन जी वो बने हैं और मेयर जो है वो वसुंधरा लाल बनी है, तो दोनों मिलके अपना विकास करेंगे और अच्छा रहेगा भागलपुर के लिए। और आपका और हमारा कैमरा तो घूमते रहेगा उनके पीछे। हाँ, वो तो हम लोग हैं ही इसके लिए, तो हम लोग करते रहेंगे ये, और लेकिन फिर भी हम लोग निगरानी रखेंगे कि कुछ निगरानी गड़बड़ ना हो। उसी गड़बड़ी के लिए इनका कैमरा हमेशा आपके आसपास रहेगा, ये शशि शंकर जी का साफ कहना था। तो हम एक बार फिर से बता दें कि टीवी अंग प्रदेश की उस खबर पर मुहर लग गई है, जो एग्जिट पोल हमने बताया था लगभग नतीजा वही आया है। डिप्टी मेयर को लेकर मैंने कहा था कि हमारे पत्रकार मित्रों की राय बटी हुई थी, आप हमारे स्टेटमेंट को सीधे आप सुन सकते हैं, अभी भी सोशल मीडिया पे जाके हमने कहा था कि हमारे पत्रकार मित्रों की राय बटी हुई है, सलाउद्दीन हसन लेकिन बढ़त की स्थिति में है उस स्थिति में, और अभी भी जो परिणाम यहां अभी तक अंतिम परिणाम डिप्टी मेयर का नहीं आया है लेकिन अभी बड़ी बढ़त की तरफ है सलाउद्दीन हसन साहब संतोष कुमार के मुकाबले, लेकिन बहुत ही रोमांचक संघर्ष हुआ, केवल दो तरफा मुकाबला चल रहा था, सलाउद्दीन साहब उसमें अभी बढ़त बनाए हुए हैं और जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे कुछ और साथ लोग हैं, बताइए कैसे देखते हैं जीत को। सबसे पहले टीवी अंग प्रदेश की पूरी टीम और भागलपुर की एक एक मतदाता जिन्होंने टीवी अंग प्रदेश के एग्जिट पोल को सही करार दिया, ये बधाई के पात्र हैं तथा धन्यवाद उन सभी की को है कि जिन्होंने एक शिक्षित सुयोग तथा विकासशील इंसान को चुनने का काम किया। भागलपुर की स्थिति जो पिछले 5 वर्षों में थी उस परिस्थिति को भली भांति भागलपुर की जनता जानती थी, साइलेंट वोटर के रूप में उन्होंने अपना मत एक शिक्षित और जो विकास के रूप में अपने भागलपुर को टमटम की तरह रफ्तार बढ़ाए, उस रफ्तार के साथ भागलपुर का विकास स्वर्णिम अक्षरों में आगे लिखा जाए, इस 5 साल में ऐसा विकास होगा, यह भागलपुर के एक एक मतदाताओं में विश्वास है। टमटम विकास करेगा, टमटम जो है वो सड़क पर दौड़ गई है और चरखा की कहीं ना कहीं जो चरखा का धागा है वो खत्म होता दिख रहा है। अभिजीत जी हैं, अभिजीत जी कैसे देख रहे हैं अब इस जीत को, और टीवी अंग प्रदेश ने 28 तारीख को ही ये ऐलान कर दिया था और बहुत भरोसे और जिम्मेदारी के साथ, हम बार बार आपसे कहते हैं कि हम अपने दर्शकों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और हम आम लोगों की आवाज जब हमने सुनी थी तो उन्हीं दुखती रगों को हमने जब टटोला था तो उस दुखती रग ने कहा था कि हम लोगों ने इस बार परिवर्तन के लिए वोट डाला है, तो जब जनता का मूड इस तरह का हो जाता है कि परिवर्तन, तो इसका मतलब है कि निवर्तमान नहीं कोई नया आएगा। कैसे देख रहे हैं इस परिवर्तन को और हमारे एग्जिट पोल को? ये जीत भागलपुर की जनता की जीत है, भागलपुर की जनता ने टमटम को नगर निगम पहुंचा दिया, नरक निगम को हटाया, ये संकल्प पूरे भागलपुर की जनता ने लिया था, ये खुशी पूरी भागलपुर की जनता की है। चलिए और कुछ साथी हमारे साथ, बताइए इस जीत को आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम एक आपको यही कहेंगे, स्मार्ट सिटी को एक स्मार्ट मेयर मिल गया और टमटम पहुंच गया निगम और चरखा पहुंच गया म्यूजियम। एक मिनट,
अभी तक जो आप लोग देखते थे, अभी तक जो मेयर शहर को मिलता था शुद्ध हॉर्स ट्रेडिंग वाला पैसा वाला, ये मेयर मिला है एक शिक्षित सभ्य जिम्मेदार मेयर। अब आप भरोसा कीजिए, आने वाले 5 साल में भागलपुर में स्मार्ट सिटी का कोई भी काम रुकेगा नहीं। वसुंधरा लाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। वसुंधरा लाल एक बार फिर से चुनाव जीत गई है, पहली बार चुनाव के मैदान में। कुछ और साथी है, बताइए कैसे देख रहे हैं इस जीत को? इस जीत में अब लग रहा है कि जनता की जीत हुई है और जनता ने एक ऐसे मेयर को चुना है कि भागलपुर का विकास होगा और स्मार्ट सिटी जो भागलपुर को मिला है अब वो स्मार्ट बनने जा रहा है, स्मार्ट लगेगा। टीवी अंग प्रदेश ने जो एग्जिट पोल दिखाया था, कई सवाल उठकर खड़े हो रहे थे, सोशल मीडिया पर हमें ट्रोल भी किया जा रहा था कि हम शायद उस पार्टी के समर्थक तो नहीं, उस प्रत्याशी के समर्थक नहीं है, लेकिन हमने जनता की आवाज को, जनता से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हमने जो दर्द झेला है उसके खिलाफ में हम अपने वोट की ताकत से चोट कर रहे हैं। कैसे देखते हमारे एग्जिट पोल को? एग्जिट पोल में तो आपने पहले ही जीत घोषित कर दी थी और ये जनता ने भी वो साबित करके दिखाया कि जीत जनता जीत ली है और नगर निगम में एक शिक्षित उम्मीदवार मेयर को बैठाया गया, अब वो स्मार्ट दिखेगा, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट दिखेगा, स्मार्ट सिटी। ओम भास्कर हमारे साथ, ओम जी अब तो बहुत खुश दिख रहे हैं आप और पूजा पाठ भी हो गया आपका, बताइए कैसे देखते हैं? टीवी अंग प्रदेश के एग्जिट पोल पर अब मोहर लग गई है, बहुत लोगों ने सवाल खड़े किए थे, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, हम बहुत जिम्मेदार चैनल की भूमिका में शुरू से काम करते रहे जब से हमने शुरुआत की है और अपने पत्रकारिता के जीवन में कभी हमने किसी को कोई फेवर नहीं करने की कोशिश की है, लेकिन आम जनता की अगर आवाज है, अगर वो उनकी आवाज बनते, वो उनकी ताकत है तो उस बात को जरूर हम वहां रखते हैं। कैसे देख रहे हैं हमारे एग्जिट पोल को? अब निश्चित तौर पर इस चुनाव में टीवी अंग प्रदेश द्वारा जो निष्पक्ष पत्रकारिता का एक स्वरूप देखने को मिल रहा है, यह कहीं ना कहीं पत्रकारिता के क्षेत्र को और ऊपर ले जाने का काम करता है। और निश्चित तौर पर जितने भी पत्रकार बंधु है उनका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस पूरे चुनाव में एक निष्पक्ष भूमिका निभाई। बड़ा एक धड़ा था भारतीय जनता पार्टी का, चूंकि भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, भाजपा का एक बड़ा खेमा, केंद्रीय मंत्री भी, उनका कुनबा पूरी तरह से सीमा सा तीसरे नंबर पर चली गई, बहुत कम मतों का मार्जिन रहा उनके और गजाला परवीन के बीच ही बड़ा अंतर हो गया। और हमने उस दिन एग्जिट पोल में कहा भी है कि दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई है गजाला परवीन और सीमा शाह के बीच, नंबर वन पर कहीं कोई मुकाबला नहीं है। तो अब क्या कहेंगे जब उतने बड़े बड़े लोग भाजपा के दिग्गज उस तरफ उस खेमे में हार हुई है, आम जनता ने किसी की सुनी नहीं है? ये निश्चित रूप में भागलपुर की आम जनता की जीत है। निश्चित तौर पर भागलपुर के लोगों ने अब यह मन बना लिया है कि वो एक ऐसे प्रत्याशी को वोट करेंगे और ये इसकी शुरुआत इस चुनाव से हो गई है। उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी को चुना है जिनमें उनको अपना भविष्य दिखा, भागलपुर का भविष्य दिखा, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये जीत कहीं ना कहीं भागलपुर के राजनीति के मायने को बदल कर रख देगी और कहीं ना कहीं भागलपुर की जनता सिर्फ और सिर्फ वैसे लोगों को चुनेगी जो कि भागलपुर के विकास की बात करता है। काम का भी एक बड़ा दबाव होगा चूंकि ये कांटों से भरा हुआ ताज है, ओम जी आप भी जानते हैं भागलपुर को, स्मार्ट सिटी, भागलपुर शहर, और ऐसे में अब काम करने की बारी आ गई है। आम लोगों को काम चाहिए, आम लोगों को स्वच्छ वातावरण चाहिए, सड़कें चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, तो क्या अब इन सब चीजों पर मान ले, जनता को क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे आप? मैं निश्चित तौर पर बताना चाहूंगी, यह जो पूरा कैंपेन हमारा था हमारे प्रत्याशी के साथ, यह निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम लोगों ने भागलपुर के विकास की बात पे चुनाव को जीता है। हमने कोई भी इस तरह का बयानों का या इस तरह के गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया इस पूरे चुनाव में, हमने सिर्फ और सिर्फ भागलपुर की बात रखी है। तो निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हम सभी मिलकर के भागलपुर का विकास करेंगे और निश्चित तौर पर आपको खुद ही दिखने लगेगा, ये साल एक साल के अंदर ही आपको भागलपुर में बदलाव दिखने लगेगा। एक साल के अंदर ही आपको बदलाव दिखने लगेगा, ये ओम भास्कर जी का कहना है जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इस जीत में इनकी बड़ी भूमिका रही है, लगातार इन्होंने जनसंपर्क अभियान भी किया है। कुछ और लोग हमारे साथ जी, बताइए कैसे देख रहे हैं इस जीत को? इस जीत को हम लोग देख रहे हैं कि ये जनता की जीत है, जनता का सहयोग के साथ हम लोग आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, ये वोट दे के हम लोगों को इस स्थान पे पहुंचाए हैं ताकि हम लोग शहरवासियों के विकास के लिए कार्य कर सकें, शहरवासियों के विकास के लिए काम कर सके। डॉक्टर प्रणव है हमारे साथ, आइए सीधे अब चलते हैं डॉक्टर प्रणव के पास, डॉक्टर्स बिरादरी, और डॉक्टर्स बिरादरी से ये भागलपुर की नई महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, और हमारे साथ डॉक्टर प्रणव, कैसे देख रहे हैं इस जीत को, डॉक्टर्स की जीत को? ये तो हम लोगों ने अभी देखा जो ट्रेडिशन पहले से चल रहा था है ना, तो उससे थोड़ा अलग हट करके है और
जो बिहार सरकार का जो एक फैसला रहा कि डायरेक्ट मेयर को चुनना है, इससे खासकर भागलपुर की जनता को बहुत लाभ होने वाला है, भागलपुर नगर निगम का बहुत विकास होने वाला है। अब कोई किसी दबाव में कोई काम नहीं करेंगे, और अगर विकास नहीं होता है तो उसके लिए कोई एक्सक्यूज भी लोगों के पास नहीं रहेगा कि हमने इस वजह से काम नहीं किया। अब हम लोग नए सिरे से देख रहे हैं, नई उम्मीद जगी है, और उम्मीद पर हमारी जो डॉक्टर मैडम है, डॉक्टर वसुंधरा लाल, वो जरूर खरी उतरेंगी, ऐसा हमारा विश्वास है, और हम सब लोग उनके साथ हैं जो कि भागलपुर के विकास में उनके हमेशा सहयोगी बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर प्रणव आपका। ये थे डॉक्टर प्रणव, जो बता रहे थे कि उम्मीदें बड़ी है और उस उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी डॉक्टर वसुंधरा लाल, जो भागलपुर की नई महापौर चुन ली गई है जनता के वोटों से। हमारे साथ मौजूद है एक और हमारे साथी चंदन जी। बताइए चंदन जी, इस जीत को आप कैसे देख रहे हैं? ये जीत भागलपुर की जनता की जीत है। भागलपुर के परिवर्तन की जो लहर थी, एक एक आम जनता पूर्व के मेयर से त्रस्त थे, वहाँ के भ्रष्टाचार, वहाँ के घोटाला, वहाँ के जो विधि व्यवस्था थी उससे सारे लोग परेशान थे, इसलिए उन पूरी जनता एक तरफा, इसको वन साइडेड जो कहा जाता है, एग्रेसिव होकर के जनता ने मेयर वसुंधरा लाल जी को मुहर लगाया और इनको भारी मतों से विजयी बनाया। लगभग 10,000 वोटों का अंतर है और ये हमारे भागलपुर के सर्वांगीण विकास के लिए डॉक्टर वसुंधरा लाल जी आई हैं। स्मार्ट सिटी को एक स्मार्ट मेयर की जरूरत थी, आज एक स्मार्ट मेयर भागलपुर को मिल गई है, ये हम हर नागरिक के लिए गर्व की बात। स्मार्ट मेयर भागलपुर को मिल गई। हमारे साथ मौजूद है विजय शाह, दक्षिण क्षेत्र का एक बड़ा नाम है और बड़ी आबादी एक इनके इर्द गिर्द घूमती है और राजनीति भी दक्षिण क्षेत्र की इनके इर्द गिर्द घूमती है। बड़ा दर्द दक्षिण क्षेत्र का रहा है, उन वहां के लोगों का। स्मार्ट सिटी भागलपुर तो बन गया, लेकिन दक्षिण क्षेत्र के जो लोग हैं वो जो तकलीफ झेलते हैं, उस तकलीफ को आपने महसूस किया है एक नागरिक के नाते, अब परिवर्तन हो गया है, कैसे देख रहे हैं इस जीत को विजय शाह जी? पहले तो मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे आसीन पद पर बैठने के लिए भागलपुर पूरे बिहार के आम आवाम उसको चुनकर मेयर बनाने का कार्य किया है। तो पहली बात, वो जो हाउस ट्रेडिंग होती थी, पार्षदों को खरीद कर मेयर बनाया जाता था, लेकिन अब जनता चुन के मेयर बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक योग्य व्यक्तित्व मेयर के पद पर आसीन हुए हैं। और कितनी उम्मीदें हैं अब आपको डॉक्टर वसुंधरा लाल से? निश्चित रूप से हम लोग सभी उनको मेयर के प्रत्याशी के रूप में चुना था और बड़ी मिन्नतों के बाद उन्हें अपने प्रत्याशी बनाया था, और आज उसका प्रतिफल मिला है। अब भागलपुर को आप देखेंगे कि हम भागलपुर की जनता जो विश्वास जिस पर जताया है, हमारा प्रत्याशी उसके विश्वास को तोड़ने नहीं देगा। हमारे प्रत्याशी जनता के उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय सिंह, बड़ी भूमिका रही है डॉक्टर साहब आपकी, और आपसे चुनाव से पहले भी हमारी बातचीत हुई थी, हमने एग्जिट पोल दिखाया था 28 तारीख को ही शाम में कि लगभग जनता ने अपना मुहर लगा दिया है। जो दर्द उन्होंने झेला है, अपने उस दर्द को उन्होंने वोट के रूप में परिलक्षित किया है, और डॉक्टर्स की बिरादरी से पहली बार डॉक्टर वसुंधरा लाल मेयर भी बन गई। ये बहुत बड़ी जीत है और ये जनता की जीत है, क्योंकि डायरेक्ट वोटिंग हुआ है इस बार मेयर पद के लिए, और भागलपुर की जनता ने अपना मत दिया है, उनको जिताया है। तो मैं ये मानता हूं कि एक शिक्षित महिला, एक डॉक्टर जितना अच्छा काम कर पाएंगी, ये हम लोग सबकी उम्मीद है, और इस पर वो खरी उतरेंगी, ऐसा मैं पूरा विश्वास है मेरा। एक जिम्मेदारी भी अब बड़ी हो गई डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर्स बिरादरी की भी, केवल डॉक्टर वसुंधरा लाल ने पूरी डॉक्टर्स की जो बिरादरी है, चुकी हब है भागलपुर डॉक्टरों का, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं यहाँ पर जो सामाजिक कार्यों में भी लगे रहते हैं, आप भी सामाजिक कार्यों में भी आपकी गहरी रुचि है, आप वो काम भी करते हैं, तो ये लगता नहीं आपको कि बड़ी अब जिम्मेदारी है डॉक्टर्स वर्ग के लिए भी? नहीं, ये तो हमेशा से जिम्मेदारी रही है डॉक्टरों की, और डॉक्टरों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई भी है। मैं IMA का भी अध्यक्ष हूँ, और उस नाते भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इनका काम बहुत अच्छा होगा, और जितने डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही उत्साहित हैं कि एक महिला डॉक्टर इस बार मेयर पद पर आसीन होने जा रही हैं। तो ये उत्साह तो रहेगा ही, और उत्साह के साथ साथ जिम्मेवारी भी है जिसको बखूबी डॉक्टर वर्ग निभाएगा। हमने टीवी अंग प्रदेश ने 28 तारीख को एग्जिट पोल में ये बता दिया था, कैसे देखते हैं आप हमारे उस एग्जिट पोल को?
आपका तो हमेशा से हम सुनते रहे हैं और बहुत ही एक्यूरेट रहा है। देखिए, सच्ची पत्रकारिता हो या जो भी जिस भी प्रोफेशन में है, अगर आप सच्चे इससे कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो वो अच्छा लगता है, पब्लिक को अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने डॉक्टर साहब आपको, और बहुत बहुत बधाई भी। धन्यवाद, आपको भी बधाई। ये थे डॉक्टर संजय सिंह, आईएमए के प्रेसिडेंट, जो बता रहे थे कि जो पूरा डॉक्टर वर्ग है वो आज बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है, क्योंकि आज पहली बार डॉक्टर्स बिरादरी से कोई मेयर के पद तक पहुंचा है, क्योंकि बहुत ही सम्मान का पद होता है मेयर का, और उस मेयर के सम्मानित पद पर डॉक्टर्स बिरादरी से डॉक्टर वसुंधरा लाल। और डॉक्टर वसुंधरा लाल के विषय में हम आपको बता दें, इसी भागलपुर जिले के नवगछिया के बिहपुर के हरियो ऐसे गाँव में उनका मायका है और भागलपुर उनका ससुराल हुआ। तो विक्रमशिला सेतु ने जोड़ने का काम किया है, न केवल दिल जुटे हैं बल्कि लोग जुटे हैं, और लोगों ने जुड़ करके जो वोट किया है वो आज परिणाम सामने देख सकते हैं कि डॉक्टर वसुंधरा लाल जो पहली बार चुनाव के मैदान में उतरी और उन्होंने महापौर के पद पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गजाला परवीन और निवर्तमान मेयर सीमा शाह को पराजित किया है बड़े अंतर से। एक बार फिर से हम बता दें, टीवी अंग प्रदेश ने आपसे 28 तारीख को कहा था कि हम बड़े जीत के अंतर की तरफ बढ़ती दिख रही हैं। हमारे साथ हैं, बताइए कैसा लग रहा है, इस जीत को कैसे देख रहे हैं आप? ये जनता की जीत है, भागलपुर नगर निगम क्षेत्र की जनता की जीत है। उन्होंने वसुंधरा लाल को प्यार दिया है, उनके मेहनत को देखा है, उनके कर्मों को देखा है, और सब में एक उम्मीद जगी है इस क्षेत्र की जनता में कि कुछ विकास होगा, शहर का विकास होगा, इस वास्ते इनको अपार मत दिया है, उसकी जीत है। दोनों तरफ के लोगों ने, उस पार के लोगों ने भी, इस पार के लोगों ने भी वोट जम करके दिया, मायके के लोग भी, ससुराल के लोग भी। बिल्कुल सही बात है, चूंकि मायके के लोग भी इसी क्षेत्र में है, ससुराल के लोग भी इसी क्षेत्र में है, तो स्वाभाविक है कि मत तो मिलना ही है। क्या कहेंगे आप यहाँ की जनता को? जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उस पर वो खरी उतरेगी, और जहां तक होगा जो उस निश्चित संसाधन है नगर निगम की, उसमें निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों का विकास होगा, सभी वार्डों का विकास होगा, सभी वार्डों का, सभी क्षेत्रों का, हर किसी का विकास होगा। जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये भागलपुर के जनता की जीत है नगर निगम में। हम उम्मीद करते हैं, आम जनता उम्मीद करती है इनसे कि नगर निगम जो नरक निगम हो गया था वो नगर निगम बनेगा, और जो संसाधन है, जो वार्ड का जो शेयर है वो हो गया। अभी आप दक्षिणी भागलपुर जाए तो लगेगा कि नहीं कि भोलानाथ के उसके पार का भागलपुर का शहर है और कचहरी का यह भागलपुर शहर है। तो हमें उम्मीद है और कि ये वसुंधरा लाल जो बनी है, ऐसा सबको एक नजर से देखेंगी। भागलपुर की जनता ने बड़ी उम्मीद से खड़ा किया है, भागलपुर की सारी जनता ने इन्हें प्यार और विश्वास दिया है, और हमें पूरा विश्वास है कि वसुंधरा लाल जी नगर निगम को बहुत अच्छा चलाएंगी, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम होगा, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम होगा। कुछ महिलाएं हमारे साथ, बताइए आज इस जीत पर मुस्कुरा रही हैं आप? जी सर, मुस्कुरा रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बीच की जो है हमारी बड़ी दीदी है वो जीती हैं, और मुझे उम्मीद है कि उनसे हमारा जो भागलपुर का बहुत बहुत ही प्रगति होगी, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ जो भारत की तरक्की, बिहार में जो हमारा भागलपुर एक काफी अच्छे राज्य के लिए नगर निगम का ये बहुत ही काम होगा, बहुत भागलपुर बहुत विकसित होगा। चलिए, भागलपुर बहुत विकसित होगा ये कहना है साफ साफ, तो हर कोई ये चाहता है कि अब भागलपुर का विकास हो। जो विकास की रफ्तार रुक गई थी, विकास की जो गाड़ी रुक गई थी, अब विकास की वो गाड़ी बढ़ती दिखनी चाहिए। और हमारे साथ अभी सलाउद्दीन हसन साहब, भागलपुर के नए डिप्टी मेयर साहब, अब कह सकते हैं क्योंकि जो बढ़त की स्थिति थी वो लगभग अब बहुत बड़ी हो गई और जीत हो गई है लगभग अब इनकी पूरी। क्या पहली प्रतिक्रिया डॉक्टर साहब आपकी? ये भागलपुर जनता की जीत है, हमारी जीत नहीं है। भागलपुर की जनता ने इतना इसने प्यार दिया और हमें इस काबिल समझा और हमको इस मकाम तक पहुंचाया, और ऊपर वाले का करम है, वो उन्हीं के द्वारा हम लोग हैं, इसलिए हम सारा श्रेय भागलपुर की जनता को देते हैं। कौमी एकता के भी आप एक सिपाही के रूप में काम करते रहे हैं, हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब, जिसकी खुशबू के लिए लोग जाने जाते हैं, भागलपुर के कतरनी धान, कतरनी चावल, कतरनी चूड़ा, उस खुशबू के बीच में आपने हिंदुओं का भी मत प्राप्त किया है, आपको अल्पसंख्यकों का भी साथ मिला है, कैसे देखते हैं अपने पूरे जनता के इस फैसले को, क्या बताइए? हम इस शहर को हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई सबका जो नारा होता है, नारा नहीं हो बल्कि एक हकीकत के रूप में भागलपुर की सरजमीन पर उतरे, ये मेरी कामना है और मैं इसके लिए प्रयास करूंगा।
जब भी इस किस्म का पूर्व में मौका आया मैंने खुलकर आगे सामने आकर काम किया है, और जब इस मकाम पर भागलपुर की जनता हमें बैठा रही है तो मैं और मजबूती से इस काम को करूंगा ताकि भाईचारा न मिटे। और ये तो लोगों ने मत देके आपको बता दिया है कि वो भाईचारा बिल्कुल एकदम साबित कर दिया है कि भागलपुर वैसा शहर नहीं है, कोई भी हिंदू और मुस्लिम नहीं है, जो अच्छा उम्मीदवार है उसको वोट दे करके, और हमें हर वर्ग का वोट प्राप्त है, हर बूथ पर वोट प्राप्त है। जिम्मेदारी बड़ी मिल गई है आपको डॉक्टर साहब, और एक बड़ा संयोग है कि डॉक्टर्स ही तो आपके नाम के आगे भी डॉक्टर लगा है और मेयर के नाम के आगे भी डॉक्टर लगा है, तो डॉक्टर ने पूरी तरह से वो पारा जो टेम्परेचर था उसको पकड़ लिया था, डायग्नोसिस बढ़िया किया आप लोगों ने। ऐसा है कि डॉक्टर है तो इस शहर का इलाज भी अच्छा करेंगे, लेकिन लेकिन इसमें भागलपुर की जनता का भी हमें सहयोग चाहिए, प्रशासन का, जो नगर आयुक्त होते हैं, हम लोग तो डिसीजन लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट कराना नगर आयुक्त का काम होता, तो हम उनका भी सहयोग चाहेंगे, हम मेयर साहबा का भी सहयोग चाहेंगे, और उनको भी मुबारकबाद देते हैं कि जिस उम्मीद से जनता ने आपको चुना है आप अपना टाइम पूरी तरह भागलपुर शहर की जनता को दें, ताकि जनता जिस उम्मीद के सहारे हम लोगों को उस मकाम तक भेजी है उस उम्मीद पर हम लोग खड़े होते हैं। टीवी अंग प्रदेश ने 28 तारीख को शाम में 6 बजे कचहरी चौक से ये एग्जिट पोल दिया था कि महापौर के लिए बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही हैं डॉक्टर वसुंधरा लाल, और डिप्टी मेयर में कहा था कि कड़ा संघर्ष है लेकिन बढ़त की स्थिति में सलाउद्दीन हसन साहब हैं क्योंकि हर वर्ग का उन्हें समर्थन प्राप्त है, और हमारे उस एग्जिट पोल को आप कैसे देखते हैं सर? एकदम एग्जिट पोल पूरी तरह करेक्ट था, आपने जो दिया आवाम के बीच में अपने न्यूज को वो 100% सही था। एक मुकाबला होते हुए हम फतेह के करीब पहुंचे, अब वसुंधरा जी तो पहले ही 10,000 वोट से जीत चुकी हैं, तो हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं, लेकिन हम मेयर साहब से कहना चाहते हैं कि हमको इस शहर को और सुंदर बनाना, जो काम फाइल के अंदर बंद रहता है उसको हमको जमीन पर धरातल पर उतारना है, ताकि लोग जिस उम्मीद से भेजे हैं वो उम्मीद उनका कायम रहे, और आने वाले दिनों में न आवाम को दिक्कत हो न आपको और आगे इलेक्शन लड़ने में दिक्कत हो, ताकि लोग पुनः आपको जिताने के। तो टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से जीत के बाद पहली प्रतिक्रिया अपने भागलपुर के लोगों को क्या संदेश होगा डॉक्टर सलाउद्दीन हसन साहब का? पहली प्रतिक्रिया जीत के बाद भागलपुर के लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से? मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हम उनका हार्दिक मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने जज करके हमें चुना, और इस चैनल के द्वारा भी हमें बारहा दिखाया गया, जिस दिन मैंने नॉमिनेशन किया उस दिन भी उन्होंने हमें अंग प्रदेश के चैनल ने हमें आवाम को बताने का कोशिश किया कि वो किस तरह क्या आदमी है, क्या उनकी आगे की कामना है कि कैसे इस शहर को आगे ले जाएंगे, तो हम चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है, धन्यवाद देते हैं कि हम जैसे आदमी को जो न बहुत धनवान है न बहुत कुछ है लेकिन सारे के साथ हमें भी इसमें शामिल किया, इसलिए मैं पुनः एक बार आप सबों को मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद कहता हूं। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब आपको आपके जीत के लिए कि पहली बार जनता के वोट से आप डिप्टी मेयर चुने गए। अंग प्रदेश का धन्यवाद और आप सबों का धन्यवाद, और इस शहर को बनाने में न्यूज चैनल का भी बहुत अहम भूमिका रहता है, तो आप सच्चाई को हमेशा दिखाइएगा, अगर यहाँ कमजोरी है तो हमें बताने की जरूर, सवाल भी जरूर हमारे होंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल हम उसके लिए तैयार हैं, ये डॉक्टर सलाउद्दीन हसन ने कहा। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, डिप्टी मेयर के लिए भी जो है नतीजा निकल चुका है, डॉक्टर सलाउद्दीन हसन भागलपुर में जनता वोट से पहली बार डिप्टी मेयर चुने गए हैं, और उन्होंने टीवी अंग प्रदेश से जीत के बाद पहली बार बात करते हुए कहा है कि भागलपुर को और स्मार्ट बनाना है, सुंदर बनाना है, और गंगा जमनी तहजीब को आगे लेकर जाना है, क्योंकि कौमी एकता की जब बात होती है तो डॉक्टर सलाउद्दीन हसन साहब लगातार उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज आज उनको फायदा देता दिख रहा है, और संतोष कुमार को उन्होंने पराजित करके डिप्टी मेयर की कुर्सी पर कब्जा किया है, और यहाँ की जनता ने उन्हें उपमहापौर का पद दिया है।
तो टीवी अंग प्रदेश की उस खबर पर एग्जिट पोल पर अब लगभग मुहर लग गई है। भागलपुर की नई मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल चुन ली गई है और डिप्टी मेयर में संतोष कुमार पिछड़ते दिख रहे हैं और सलाउद्दीन हसन साहब ने जीत तय कर ली है। जो जीत का सफर था वो तय कर लिया है और चुन लिए गए हैं पहली बार जनता के वोट से डिप्टी मेयर।